देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा आईनामूली छुई है, नीट के संबंध में पिछले दिनों में, नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1,550 स्टूडेंट की है। और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा।